सो हे गाइस, वेलकम टू एमकेजी एके मोबाइल गेमर। तर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई मैंने अपने चैनल पे एक वोट रखा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई मुझे शेडर्स यूज करने चाहिए या नहीं। तो आप में से काफी मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि भाई हाँ यूज करो। तो भाई प्लीज यार, मेरे को कमेंट्स में मत लिखना कि भाई शेडर्स हटाओ, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों से पूछा और भाई जहाँ मेजोरिटी है मैं वहीं पर जा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं। तो काफी लोग बोले थे कि शेडर्स यूज करो। तो ठीक है, जैसा आप देख सकते हो मैंने फिर से लगा लिया ऐसी आप शेडर्स। तो मेरे को भी यार अच्छे लगते हैं यार, इतने बुरे शेडर्स नहीं है, अच्छे लगते हैं, बस थोड़ा अंधेरे में लगता है। तो मैंने अब अपनी जो वीडियो की ब्राइटनेस है वो पूरी बढ़ा ली है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखने में। ओके यार, तो चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यार अब मैं बताता हूँ आज की वीडियो में हम क्या करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई मैंने ऑफलाइन बहुत सारे काम किए थे, मतलब पहली बार मैंने ऑफलाइन इतने काम किए। जैसा आप देख सकते हो मैंने अपने जो घर का पूरा लुक है वो बदल दिया, यहाँ पर मैंने वो लगा दिए, लीव्स लगा दिए, पूरा यहाँ पर नीचे जो फ्लोर है वो बदल दिया, ऊपर छत भी पूरी सही कर दी है। और अभी नीचे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे देखो तो मैंने यहाँ पर पूरा मतलब यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स वगैरह लगा दिए, और अभी छत यहाँ की सही नहीं की है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा और फ्लोर भी अच्छा सा कर दिया है, और यहाँ पर मैंने और मतलब माइनिंग की थी, ये मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी दिखाया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो भाई अब देख लो। तो मैंने इतना सारा काम किया था ऑफलाइन, और साथ ही साथ मैं बता दूं भाई मैंने माइनिंग भी की थी, मतलब मुझे उसमें से 8 डायमंड मिले थे। तो जैसा आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो जब मैं माइनिंग कर रहा था मेरे को डायमंड्स मिले थे, और साथ ही साथ मेरे को आयरन भी मिला और गोल्ड भी मिला, मतलब 22 गोल्ड मिला और आयरन भी 52 या 54 हो गए थे मेरे पास। तो भाई मतलब काफी ज्यादा फायदा हो गया मेरा, मतलब मेरा जो ऑफलाइन काम है उसको करके, तो मतलब ये फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। तो यार चलो अब मैं बताता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। तो यार पिछली वीडियो में काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मॉब एक्सपी फार्म बनाओ। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो काफी लोग बोले थे कि भाई एक्सपी फार्म बनाओ। तो भाई हम आज बनाएंगे भाई अपना एक्सपी फार्म, और साथ ही साथ जो हमारा ये नीचे मैंने रूम बनाया है इसमें भाई हम बनाएंगे अपना बेडरूम, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत स्टोरेज भी वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि स्टोरेज की कमी हो जाती है हमारे पास कभी कभी। तो बस यही हम आज की वीडियो में काम करेंगे, और भाई आपको लग रहा हो कम काम है, पर भाई एक्सपी फार्म जो आज मैं बनाने वाला हूँ काफी ज्यादा वो लंबा मतलब बड़ा एक्सपी फार्म है, तो भाई उसमें टाइम लगेगा। तो भाई आप प्लीज मतलब वीडियो को पूरी देख लेना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम जो बेडरूम है वो अपना कैसा बनाएंगे, अगर टाइम बचा मतलब अगर मैं ज्यादा मतलब लंबी वीडियो शूट कर पाया तो मतलब मैं आपको बेडरूम भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलो यार बिना किसी देरी के जब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो उससे पहले बता दूं कि भाई हमारे बहुत जल्दी अब 10K होने वाले हैं, तो भाई 10K पे आपके लिए आएगा Q&A, और उसी के साथ साथ होगा भाई फेस रिवील। जी हां गाइस, फेस रिवील, मतलब काफी लोगों की रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी फेस रिवील को लेकर, तो भाई मैंने सोचा Q&A में कर देंगे हम फेस रिवील। तो भाई जल्दी से यार अब किस बात का वेट करना, अब जल्दी से भाई 10K करा दो भाई के, और भाई जल्दी से यार पहुंचा दो 10K पे, और भाई तब आ जाएगा आपका Q&A, और भाई सभी हो जाएगा हमारा फेस रिवील। तो ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब हमें क्या क्या करना है। तो यार अभी तो देखो मतलब रात होने वाली है, तो मैं जल्दी से आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो देख सकते हो मेरे पास कॉबलस्टोन बहुत सारे पड़े हैं, मतलब जो एक्सपी फार्म के लिए काम आएंगे भाई यही सारे काम आते हैं कॉबलस्टोन वगैरह। और उससे पहले मेरे को अपने जितना भी कबाड़ वगैरह ये हटाना पड़ेगा, और आप देख सकते हो मैंने अपने लिए बनाई है यहाँ पर लैडर, मतलब पूरी 100 लैडर्स बनाई है, मतलब 100 नहीं है तो थोड़ी उससे कम है। तो ये मैंने क्यों बनाई है वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा बहुत आयरन, क्योंकि भाई हमें बनाने पड़ेंगे हॉपर, और चेस्ट तो हम बना ही लेंगे बहुत आराम से। ठीक है, और तो मेरे हिसाब से कुछ चाहिए नहीं होगा, और हाँ थोड़े बहुत हमें स्लैब्स भी चाहिए होंगे, तो मैं वो भी ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, 13 स्लैब्स मेरे पास पड़े हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही चाहिए होंगे, तो भाई मैं वुड भी रख लूँ। और उससे पहले भाई मैं अपना जितना भी बेकार का सामान है वो खाली कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हमें बिल्कुल भी ऐसा भर के नहीं रखना है अपना सामान, जितना भी बेकार का सामान है वो खाली कर लूँगा। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर माइनिंग की थी, तो भाई मेरे को 8 डायमंड मिले थे, और भाई 22 गोल्ड मिला था, और आयरन भी आप देख ही सकते हो मेरे पास 53 था। तो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो हमारा काम चल ही जाएगा आराम से। तो चलो अब जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और गाइस एक और बात, जैसे मैं मतलब मैं यहाँ पर रिवर के पास गया था, और भाई मेरे को मिला एक मतलब जो मॉब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैं भूल गया उसका नाम। तो उसने मेरे को भाई मैंने उसको मारा, और भाई उसने मेरे को देखो ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया। जैसा आप देख सकते हो इसकी हेल्थ बहुत ही कम है, मतलब जैसा होता है, तो उसने मेरे को ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया। और भाई पहली बार मतलब हाँ उसका नाम ड्राउनड होता है, तो मैंने उसको मारा और भाई उसने मतलब सीधा ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया, भाई मज़े आ गए मतलब। तो अभी तो हम देखो इसको यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें इसको रिपेयर करना पड़ेगा और लॉयल्टी वगैरह सब लगानी पड़ेगी इसमें, तो भाई इसमें अभी टाइम लगा है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। बस भाई ये बताना था आपको कि भाई मेरे को ट्राइडेंट भी मिल चुका है, तो चलो भाई इसको यहाँ पर रख देते हैं अब। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो मैंने मतलब अपनी जो इन्वेंट्री है पूरी मतलब कॉबलस्टोन से भर ली है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लगा, पर कोई बात नहीं भाई हमारे पास अभी इतना स्पेस नहीं है। तो चलो मैं सबसे पहले भाई अपने लिए बना लेता हूँ हॉपर, क्योंकि भाई हमें चाहिए होंगे हॉपर। तो मेरे पास आयरन तो पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो देखता हूँ भाई हॉपर की रेसिपी क्या है, मैं भूल गया हूँ। ओके, तो हॉपर बनाने के लिए भाई हमें चाहिए होंगी थोड़ी बहुत चेस्ट, तो भाई सबसे पहले मैं चेस्ट बना लेता हूँ, मतलब 4 चेस्ट चाहिए होंगी मेरे को, तो मैं सबसे पहले वो बना लेता हूँ, तो 1, 2, 3, 4। ओके, तो मैंने बना लिया, अब जल्दी से भाई यहाँ से हम बना लेते हैं अपने लिए हॉपर। तो आप देख सकते हो मैंने 4 हॉपर बना लिए हैं भाई, अब हमारा जो
काम हो गया वो कंप्लीट। अब मैं सीधा चलता हूँ अपनी बिल्डिंग पे और बताता हूँ कि भाई मैंने थोड़ा बहुत और काम किया है, वो क्या है मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। यार देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ से बाहर, और भाई ये देखो तुम, ये जो मैंने टावर बनाया ना यहाँ पे इतना बड़ा, भाई ये बनाया मैंने पूरा 100 ब्लॉक्स ऊंचा। अब आप पूछोगे 100 ब्लॉक्स ऊंचा क्यों बनाया, तो भाई मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा था जेसी प्लेस की तरफ से, तो भाई उन्होंने बोला था कि अगर जितना ऊंचा आपको, जितना ऊंचा आप जो ये टावर बनाओगे, मतलब जितना ऊंचा अपना एक्सपी फार्म बनाओगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे भाई आपके जो मॉब्स हैं वहाँ पे स्पॉन होने के। क्योंकि भाई नीचे अगर बनाएंगे ना तो यहाँ पर केव्स वगैरह बहुत सारी हैं, तो भाई नीचे केव्स में स्पॉन हो जाते हैं, ऊपर स्पॉन नहीं होते, तो इसलिए भाई मैंने ये इतना बड़ा फार्म बनाया। तो भाई चलो अब इसके लिए ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ भी बना रखी थी 64, जैसा मैंने आपको बोला था। भाई मेरे को थोड़ी बहुत और चाहिए होंगी, मतलब दो या तीन और चाहिए होंगे, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ उनको भी। तो चलो भाई अब सीधा जो अपनी सीढ़ियाँ भाई लगा देते हैं इस टावर पर, ताकि भाई हम आराम से ऊपर नीचे जा पाएँ। और अगर आप सोच रहे हो मैंने इस जगह पर क्यों बनाया, तो भाई यहाँ पर एक पॉन्ड है, ताकि जब भी मेरे को कूदना हो सीधा तो मैं यहाँ पर पानी में कूद जाऊँ, और इससे मेरे को कुछ डैमेज भी नहीं होगा। तो चलो भाई अब यहाँ पर लगा देते हैं सीढ़ियाँ, और यहाँ से चलते हैं फिर ऊपर। ओके यार, तो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल ऊपर, और भाई शायद मैंने थोड़ा सी गलती कर दी, मतलब एक और सीढ़ी चाहिए होती है मेरे को, तो कोई बात नहीं भाई इतना तो चलता है। तो चलो हम चलते हैं यहाँ से ऊपर, और भाई शायद हम पहुँच ही जाएंगे अब यहाँ पर। तो यार आप देख सकते हो पहली बार तो भाई नज़ारा देखो यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पर नज़ारा, मतलब हम पूरे दूर दूर तक देख सकते हैं। तो भाई मैंने अभी चंक्स जो अपना रेंडर डिस्टेंस है वो पता नहीं 14 रखा है, तो अगर आपको इतना दूर दिख नहीं रहा होगा, पर मैं जैसे इसको बढ़ा दूंगा तो काफ़ी दूर दिखेगा। और भाई शेडर्स में देखो भाई क्लाउड कितने मस्त दिख रहे हैं, और भाई यहाँ पर नज़ारा सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने लगा दी सारी की सारी सीढ़ियाँ, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करना हूँ यहाँ से बिल्ड करना। तो बिल्ड करने के लिए मेरे को यहाँ पर जाना होगा 2 ब्लॉक्स इस तरफ, और यहाँ पर 1 ब्लॉक इस तरफ, और मेरे को इसको फिर 5 ब्लॉक्स और आगे लेके जाना है। तो चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो मैं यहाँ से 5 ब्लॉक्स आगे ले आया, और भाई यहाँ पर मैं फिर से इस तरफ जाता हूँ, और यहाँ पे जो पूरा मैंने बनाया है इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ताकि एक 6x4 का जो प्लेटफॉर्म है वो हमें मिल जाए। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा जो एरिया यहाँ पर बंद कर दिया है। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स इस तरह रखने हैं, मतलब चारों तरफ 2 ब्लॉक्स यहाँ पर इस तरह मेरे को रखने हैं। अब क्या करना है भाई, पहले तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पानी, ताकि भाई मैं आराम से यहाँ से कूद सकूँ, क्योंकि भाई अभी मेरे को क्या करना होगा ना, यहाँ पर पूरे 24 ब्लॉक्स ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो तब तक भाई आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लो। ओके, तो मैंने ये वाला पिलर जो है वो 24 ब्लॉक्स ऊंचा कर लिया भाई। मैंने वो पानी इसलिए रखा था ताकि भाई मैं यहाँ से कूद सकूँ और मेरे को बिल्कुल भी डैमेज ना हो। ओ भाई यहाँ पर आइस बन गया भाई, मुझे सही में बिल्कुल नहीं पता था कि आइस बन जाता है यार इतनी ऊंचाई में। तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर आइस बन चुका है हमारा जो पानी था, पर कोई बात नहीं। ये क्या इन्फिनिटी वाटर है अभी भी? जी हाँ गाइस, इन्फिनिटी वाटर तो है, पर भैया मेरे को बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। देखो मेरे को सही में नहीं पता था भाई ये आइस बन जाता है जो पानी है। तो चलो भाई अब यहाँ से भी हमें सेम टू सेम वैसे बिल्ड करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से बिल्ड कर ले। अरे यार मैं जैसे कूदा भाई आइस बन गया, और देखो मैं मर गया, और मेरी सारी की सारी जितनी भी एक्सपी थी वो जा चुकी है। पर कोई बात नहीं भाई, मतलब जितना भी हमारा सामान है वो ऊपर ही। और भाई सबसे पहले ना मैं अपने लिए ब्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को खाने के ऊपर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जल्दी से जितनी ब्रेड बन रही है मैं बना लेता हूँ। ओके, तो अभी 8 ब्रेड बन चुकी है, और भाई ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा है मेरा। तो भाई चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, और भाई जितना भी हमारा सामान जो था वो वहाँ पर बस गायब ना हो जाए। 5 मिनट से पहले पहुँचना पड़ेगा, तो भाई पहुँच ही जाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर। ओके यार, तो जैसा आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ऊपर, और भाई मेरा कोई सामान नीचे तो नहीं गिर गया क्या? यार ऐसा ना हो। अरे यार थोड़ा बहुत सामान नीचे गिर गया है शायद मेरा, तो मेरे को भाई नीचे जाके लाना पड़ेगा वो। तो मैं जल्दी से देखता हूँ भाई नीचे ना गिर गया हो, तो मेरे को यहाँ से कूदना पड़ेगा पहले। अरे भाई इधर से कूदियो। ओके, तो मैं यहाँ से कूदता हूँ। ओके यार, तो मैं कूद चुका हूँ, और भाई ये देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान जो था वो मेरा नीचे ही गिर गया था, मुझे लग ही रहा था नीचे गिर गया होगा थोड़ा बहुत सामान। तो देखते हैं और भाई क्या क्या गिरा है, क्योंकि भाई कॉबलस्टोन तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ गिर गए होंगे वो कॉबलस्टोन। तो यार ये बड़ी दिक्कत हो गई अब। तो यार देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ गिरी है मेरी सारी की सारी चीज़ें। तो यार मेरे को कॉबलस्टोन यार मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए भाई मेरे कॉबलस्टोन, इतने ज़्यादा मैंने कॉबलस्टोन लाया था और भाई सारे के सारे इधर उधर रह गए शायद। तो पता नहीं भाई, शायद पता नहीं ऊपर ही हो। तो देख के आते हैं भाई फिर से, मैं देख के आता हूँ ऊपर जाके, तो देखते हैं भाई ऊपर है कि नहीं। यार तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, और भाई देखो मेरी जो जितनी भी आइस थी वो बन चुकी है भाई। ये मतलब जितना भी
पानी था वो आइस बन चुका है। तो भाई देखते हैं भाई हमारा जो वो थे सामान वो है कहाँ पर, तो मेरे को यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा देखने के लिए। ओके, तो मेरे को लग नहीं रहा कि भाई वहाँ पर होगा मेरा सामान। जी नहीं गाइस, यहाँ पर नहीं है मेरा सामान। पता नहीं भाई कहाँ चले गए मेरे इतने सारे जो कॉबल स्टोन थे, इतनी मेहनत से इकट्ठे किए थे और भाई सारे के सारे मतलब गायब हो चुके हैं मतलब अब। तो यार कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। देखो रात भी होने शुरू हो गई, तो मैं जल्दी से जितना भी बचा है ना इसको बिल्ड कर लेता हूँ और भाई फिर मैं चलता हूँ नीचे सोने और फिर देखते हैं क्या करते हैं। वगैरह तो मेरा जितना भी काम था वो हो चुका है कंप्लीट। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत टॉर्चेस लगा देता हूँ। ये वैसे मैं सीधा यहीं से निकलता हूँ ना यार, क्यों टॉर्चेस क्यों वेस्ट करनी यहाँ पर। तो चलो भाई यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और भाई नीचे जाके सबसे पहले मैं सो जाता हूँ, क्योंकि भाई आप देख सकते हो रात हो चुकी है और ज़ॉम्बी कभी भी स्पॉन हो सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ से कूद जाता हूँ जल्दी से। ओके गाइस, तो मेरे को लग रहा है जो मेरा सामान था वो भाई इस पेड़ के ऊपर है। जैसा अभी मैं कूदा ना तो मेरे को ऐसे लगा कि वही पेड़ के ऊपर है मेरा सामान। तो देख के आते हैं भाई कहाँ पर है मेरा सामान। ओके गाइस, तो भाई देखो यार मतलब मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि भाई मेरा सामान कहाँ चला गया, इतना सारा मैंने इकट्ठा किया था तो भाई वो गिरा हुआ था इस पेड़ के ऊपर। तो भाई चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो हमें हमारा सामान वापस मिल चुका है। मेरे पास थोड़े बहुत रेस्टोरेंट भी थे तो भाई सब कुछ अब मिल चुका है मेरे को। तो चलो भाई सो जाता हूँ मैं, फिर अपनी जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट करते हैं फिर से हम। ओके यार, तो जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पानी रखा हुआ था, तो भाई सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से पानी हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ना सबसे पहले इस बकेट में ले लेता हूँ पानी और भाई जितना भी ये पानी है ना इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आइस बन चुका, तो भाई मेरे को सही में नहीं पता था यहाँ पर आइस बन जाता है इतनी ऊंचाई में। तो जैसा आप देख सकते हो भाई यहाँ पर हमने जितना भी पानी है वो क्लियर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है मुझे। सबसे पहले मैं ये जो ब्लॉक से तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगानी पड़ेगी अपने लिए चेस्ट। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर बना लिया अपने लिए चेस्ट और इस चेस्ट को मैं इस तरह रखता हूँ। और भाई ये जो हॉपर है मेरे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर इस चेस्ट पे इस तरीके से, ताकि भाई जितना भी जो हॉपर में सामान है वो गिरे हमारी चेस्ट में। अरे भाई हो जा कनेक्ट। ओ भाई, ओ गाइस यार स्नो फॉल हो रहा है यहाँ पे। ओ भाई यार मेरे को सही में बिल्कुल नहीं पता था। और भाई थंडर स्टॉर्म आ चुका है यहाँ पर, देख सकते हो जैसा आप आवाज़ सुन रहे हो, तो थंडर स्टॉर्म आ चुका है यहाँ पे। तो भाई मेरे को जल्दी से जो अपना काम है कंप्लीट करना होगा हॉपर वाला। अरे भाई मेरा हॉपर कहाँ गया? अरे वो अच्छा चेस्ट में चला गया होगा, तो ठीक है इससे मतलब पता भी चल गया हम ये अच्छी तरह काम कर रहा है। तो भाई जल्दी से मैं अपने जो हॉपर है वो यहाँ पर लगा देता हूँ और ये जो स्लैब है मेरे को रख देना है इस हॉपर पे इस तरीके से, ताकि भाई जितना भी सामान है वो स्लैब पे गिर जाए। तो चलो गाइस ये हो गया हमारा ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट। अब भाई हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत वाला काम करना है वो करना है भाई ऊपर जाके। तो भाई जल्दी से सबसे पहले मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ओके यार, देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ऊपर और भाई सबसे पहले अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ये जो गैप छोड़े हैं ना ब्लॉक्स के ये भर देना। और भाई देखो यहाँ पर स्नो जमनी शुरू हो चुकी है भाई। अब मेरे को डर लग रहा है कि जो मैं यहाँ पर पानी रखूंगा कहीं वो ना जम जाए यार, क्योंकि अगर वो जम गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर भाई, जो मेरे मॉब्स हैं वो जाएंगे कैसे इधर उधर मतलब नीचे कैसे गिरेंगे, तो भाई उसका देखते हैं बाद में। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो अपने यहाँ पर ब्लॉक्स मैंने बनाए थे तो भाई अब इनको पूरा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। और भाई मेरे को शायद इनको 8 ब्लॉक्स लेके जाना है दूर, तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। ओके यार, मैं दोनों साइड से 8 ब्लॉक्स रूट ले आ चुका हूँ। और भाई पहले तो तुम देखो स्नो कितनी जम रही है, और भाई यहाँ पर देखो मुझे ऐसा नॉजिया सा इफेक्ट आ रहा है जो नॉजिया इफेक्ट होता है माइनक्राफ्ट में। तो देखो पहली बार स्नो कितनी जम चुकी है यहाँ पर। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है और मतलब यहाँ पर भी 3 ब्लॉक्स इस तरीके से मेरे को नीचे जाके बिल्ड करना है, तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। ओके यार, तो मैंने यहाँ पर जो अपना पूरा जो था कंप्लीट कर लिया, मेरे को बस यहाँ पर इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर बंद करने के बाद एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि भाई अच्छी तरह काम कर रहा है कहीं मैंने मतलब ज़्यादा लंबा तो नहीं बना दिया। तो इसके टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई मैं यहाँ पर पानी डाल के देखता हूँ और देखते हैं कि भाई ये पानी जो है पूरा जा रहा है कि नहीं। ओके गाइस, तो मेरे को लग रहा है भाई पानी बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है और भाई मैं ना नीचे गिर जाऊं, तो मैं इसको पूरा पहले यहाँ से हटा देता हूँ पानी और भाई इसको फिर से यहाँ पर बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर बेस बना लेता हूँ, ताकि भाई यहाँ पर मैं एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना पाऊँ, क्योंकि भाई पानी बहुत लगेगा। तो जैसा आप देख सकते हो जैसा मैंने इस साइड किया भाई सेम टू सेम मेरे को और भी साइड करना होगा। तो भाई जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फिर करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। 5 minutes later। ओके, जैसा आप देख सकते हो मैंने जो पूरा का पूरा जो करना था वो कर लिया है, मतलब दोनों मतलब चारों तरफ मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो उससे पहले भाई मेरे को जाना पड़ेगा नीचे। नीचे जाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ से डिग करना पड़ेगा, ताकि भाई एक पानी का वो खुल जाए और भाई मैं आराम से नीचे जा पाऊँ। तो भाई पहले इस पानी को पूरा पहुँचने देते हैं हम नीचे और फिर चलते हैं हम नीचे। ओके यार, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ नीचे और भाई यहाँ से मैं पहले इसको खोलता हूँ जो कॉबल स्टोन मैंने लगाया था यहाँ पर, कि भाई मेरे को निकलना है यहाँ से बाहर। और भाई देखो पानी भी बाहर निकल
निकल गया और भाई थंडर स्टॉर्म आ रखा है बहुत ही तगड़ा वाला। अरे भाई नीचे नहीं गिरना। ओके तो मैं यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ इसलिए क्योंकि भाई मेरे को बनाने पड़ेंगे अभी क्राफ्टिंग टेबल में बटन्स। तो अब आप पूछोगे बटन्स किस लिए चाहिए, तो भाई बटन्स इसलिए चाहिए क्योंकि भाई मॉब्स जो हैं वो मतलब वो बटन्स की तरफ भागते हैं, जैसे वो बटन्स की तरफ भागेंगे वो भाई मतलब नीचे चले जाएंगे पानी में और भाई पानी से वो आ जाएंगे नीचे। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ भाई, मुझे पता नहीं कितने बटन्स लगेंगे तो भाई देखते हैं भाई कितने लगते हैं, मेरे को पता नहीं कोई आइडिया नहीं है तो मैं जल्दी से सिर्फ वैसे बना लेता हूँ। ओके यार तो देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ऊपर और भाई यहाँ पर पूरी हर जगह बर्फ ही बर्फ जम चुकी है, तो भाई यहाँ पर थोड़ी दिक्कत की बात लग रही है मेरे को। तो मैं ऐसे पानी जो है यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं इस पानी की। ओके गाइस तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ऊपर और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बटन्स जो है ना वो लगाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, ताकि भाई जो ज़ॉम्बीज या जो भी मॉब्स वगैरह यहाँ पर आएंगे वो इन बटन्स की तरफ जाएंगे और भाई बटन्स पे जैसे वो जाएंगे वो यहाँ पर गिर जाएंगे यहाँ पर पानी में और भाई जितना भी पानी है वो उनको खींच के ले जाएगा नीचे और भाई वो आ जाएंगे नीचे और भाई उनको मैं आराम से फिर मार पाऊंगा। ओके तो मैं जल्दी से जितने बटन से भाई मैं इनको लगा रहा था और मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही बना लिया, मतलब हद से ज़्यादा बना लिया, इतने लगने नहीं थे पर कोई बात नहीं भाई अब हो गया तो कोई बात नहीं, हम जितने भी हैं इसको लगा देते हैं। ओके यार तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो अपने बटन्स थे वो भाई यहाँ पर लगा दिए और भाई ये जो ऊपर वाला कॉबल स्टोन है ना मैं इसको तोड़ देता हूँ और भाई देख सकते हो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो चुकी है, तो भाई इससे मतलब हमें स्नोबॉल्स की भी कोई कमी नहीं पड़ेगी अब। तो चलो भाई जितना भी कॉबल स्टोन है इसको मैं तोड़ लेता हूँ अब और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे हम। और भाई अब मेरा जो काम बचा है वो है इस जो पूरा एरिया है भाई इसको ढकना, तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके यार तो आप देख सकते हो मैंने जितना भी है पूरा का पूरा एरिया भाई इसको पूरे अच्छी तरह भर लिया है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि एक दो लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि उनको लग रहा है कि मैं क्रिएटिव मोड यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिव मोड यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे मतलब क्रिएटिव मोड यूज़ करोगे फिर आप जाना अपनी सेटिंग्स में, तो जैसे आप यहाँ पर जाओगे वर्ल्ड नेम के ऊपर आपके लिए एक लिखा आ जाएगा कि अचीवमेंट्स कैन नॉट बी अर्नड इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप क्रिएटिव मोड में यूज़ करोगे ना मतलब क्रिएटिव मोड जैसे इसमें जाओगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा अचीवमेंट्स कैन नॉट बी अर्नड इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे यहाँ पर नहीं लिखा आ रहा है क्योंकि भाई मैं आज तक क्रिएटिव मोड में इसमें गया ही नहीं हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्रिएटिव मोड में जाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर पूछेगा टर्न ऑफ अचीवमेंट्स, तो भाई मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं सीधा यहाँ पर सिंपली गो बैक पे क्लिक कर दूँगा क्योंकि भाई मैं क्रिएटिव मोड में नहीं जाना चाहता। तो भाई अब जो लोग बोले थे कि मैं क्रिएटिव मोड यूज़ कर रहा हूँ तो भाई हो गया भाई आपका डाउट क्लियर। तो मेरे एक दो लोग हर रोज़ वीडियो में बोल रहे थे कि मैं उनको लग रहा है मैं क्रिएटिव मोड यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई हो चुका है आपका डाउट क्लियर। तो चलो भाई आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जैसा आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा अच्छी तरह ढक लिया, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो भाई अब मेरे को इसको तीन ब्लॉक्स ऊंचा लेके जाना है चारों साइड से, तो भाई उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। 1:37 ओके यार चलो मैंने यहाँ पर वीडियो इसलिए रोकी क्योंकि भाई मेरा जो जितना भी कॉबल स्टोन था वो हो चुका है खत्म, तो मेरे को लग ही रहा था भाई हो जाएगा खत्म। तो यार अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर देख सकते हो जितने भी है मेरी वो पानी था वो आइस फिर से बन चुका है, तो भाई मैं नीचे चलता हूँ और फिर भाई मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत और कॉबल स्टोन माइन करने। और मैं फिर से बता दूँ कि भाई इस बार मैं सिर्फ कॉबल स्टोन ही नहीं बल्कि एंडेसाइट वगैरह डायराइट वगैरह जो भी मिलेगा मैं ले आऊँगा क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास इतना सारा माइन करने के लिए। तो भाई जल्दी से जो बर्फ है इसको मैं तोड़ लेता हूँ और फिर चलते हैं नीचे। ओके यार तो देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऊपर और भाई देख सकते हो अभी इतना बचा है हमारे पास, तो मैं जल्दी से यहाँ पर वॉल कंप्लीट कर लेता हूँ फिर भाई उसके ऊपर मेरे को छत बनानी पड़ेगी, तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके यार तो जैसा आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ मतलब यहाँ पर तीन वॉल ऊंची मतलब तीन ब्लॉक्स ऊंची यहाँ पर वॉल बना लिया है। अब जो मेरा मेन काम बचा है वो बस यहाँ पर बनानी है, मेरे को एक छत अरे भाई गलत ब्लॉक क्यों लग गया, तो भाई बस अब छत बनानी है। जैसे छत बना लूंगा और यहाँ पर पानी डाल दूंगा तो भाई हमारा काम जो है हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई एक काम करता हूँ मैं पानी यहाँ पर ना डाल ही देता हूँ, क्यों इतना वेट करना। तो मैं यहाँ पर फिर से अपनी जो इन्फिनाइट वाटर सोर्स है वो बना लूँ पहले। ओके यार जैसा आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ मतलब ये काम कर लिया, मतलब जहाँ पर पानी डालना था वो यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जितना भी पहले तो इस को जो पानी है इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ और जो ब्लॉक्स हैं इनको यहाँ पर तोड़ देता हूँ ताकि जितना भी जो पानी है वो जॉम्बीज को जो भी स्पॉन होंगे यहाँ पर वो नीचे ले जाए उनको। ओके तो यहाँ पर आइस जम चुकी थी फिर से, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं बंद। तो देख सकते हो यहाँ पर जितना भी पानी था वो जा चुका है नीचे और भाई यहाँ पर बस मेरे को ये डर लग रहा है कि भाई ये बर्फ ना बन जाए। तो यार इसका मेरे को सही में कुछ सॉल्यूशन पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो भाई प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना यार क्योंकि मुझे डर लग रहा है बर्फ बन जाएगा। तो कोई बात नहीं भाई तब तक हमारी जो छत बाकी थी इसको हम कर लेते हैं कम्प्लीट। ओके यार तो फाइनली भाई हमारा जो फार्म है वो हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट और भाई सही में काफ़ी सारा टाइम लग गया। और आप देख सकते हो मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स डायराइट के यूज़ किए हैं कि भाई मेरे पास कॉबल स्टोन अब उतने नहीं बचे थे, तो भाई अब सीधा हम यहाँ से कूद जाते हैं नीचे, भाई हम मरेंगे नहीं क्योंकि भाई हाफ हार्ट का डैमेज ही होगा बस हमें, भाई चलते हैं हम यहाँ से नीचे। ओके यार तो देख सकते हो मतलब हमारा सिर्फ हाफ हार्ट बचा है, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और भाई यहाँ पर मैं ये टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ ताकि भाई यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो जाए। तो आप देख सकते हो भाई हमारे जो एक्सपी फार्म है पूरा हो चुका है कंप्लीट और भाई यहाँ पर अब स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे मॉब्स, तो भाई चलते हैं नीचे और भाई अब करते हैं भाई हमारे जो बेड का काम बचा है वो कर लेते हैं हम क्योंकि भाई इस एक्सपी फार्म में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो चलो भाई अब चलते हैं नीचे।
ओके यार, तो हमारा एक्सपी फार्म का जो काम था वो तो हो गया कंप्लीट। चलो भाई अब मैं बना लेता हूँ अपने लिए बेड। तो भाई बेड के डिज़ाइन के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसा मैं बेड बनाऊंगा। तो मतलब जैसे एक मैंने अपने लिए एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने ऐसे बिल्ड हैक्स बताए थे, तो उसके जैसे एक बेड बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को बनानी पड़ेगी बहुत सारी कैंप फायर। तो मैं देख लेता हूँ कैंप फायर की रेसिपी क्या होती है। ओके तो मैं आपसे देखता हूँ। ओके तो मेरे को चाहिए होंगी थोड़ी बहुत वुड्स और साथ ही साथ चाहिए होंगी कोल और लकड़ी। तो मैं कोल तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा होगा, यहाँ से नहीं लूँगा मैं, यहाँ से ले लूँगा कोल। तो आप देख सकते हो कोल तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ अब अपने लिए कैंप फायर। ओके तो मैंने इतनी बना लिया, मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी होंगे। और भाई यार मेरा सामान जो है फुल हो गया, तो मैं यहाँ पर बेकार का सामान यहाँ पर रख देता हूँ। ओके तो चलो भाई ये है हमारा बेड, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। और भाई मेरे को एक और बेड बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। देख सकते हो मेरा भाई जो बेड है वो अभी भी ग्लिच कर रहा है, मेरे को सही में नहीं पता भाई। मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। मेरा जो बेड है वो ग्लिच कर ही रहा है यार, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ओके यार चलो मैंने जितना भी सामान है वो ले लिया, अब चलते हैं यहाँ पर नीचे। और भाई यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक बेड। तो ये जो जितना भी डेकोरेशन का काम है बाद में करूँगा। और भाई ये देखो यहाँ पर ये स्पॉन हो चुका है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं रखता हूँ अपने बेड इस तरीके से। अरे यार ऐसे नहीं, इस तरीके से रखने मेरे को अपने बेड। और यहाँ साइड साइड में मैं लगा देता हूँ ये स्प्रूस के लॉक। तो आप देख लो मैं कैसे डिज़ाइन बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन, काफ़ी सही डिज़ाइन है वो। तो मैं जो चारों लॉग्स है वो इस तरीके से रख देता हूँ। अरे भाई तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हें मार दूंगा मैं अभी बाद में। ओके यार तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं जितने भी लॉग्स थे वो यहाँ पे रख दिए मैंने। अब यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इस तरीके से यहाँ पे स्लैब्स। तो इस तरीके में यहाँ पर मैंने लगा दिए सारे के सारे स्लैब। अब मेरे को लगानी है यहाँ पर कॉबलस्टोन की वॉल इस तरीके से। अरे यार दो ही ये थी मेरे पास, तो कोई बात नहीं मैं थोड़ी बहुत और बना लेता हूँ कॉबलस्टोन की वॉल्स। ओके यार मैंने 6 वॉल्स बना ली कॉबलस्टोन की। और भाई बस अब मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि भाई सही में बहुत टाइम हो गया मेरे को रिकॉर्ड करते करते इसको। तो यहाँ पर मैंने कर लिया इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मेरे को चाहिए होंगी थोड़ी बहुत फेंसेस लगानी है ऊपर, तो मैं वो भी जल्दी से लगा लेता हूँ इस तरीके से। मेरे को यहाँ पर लगानी है फेंसेस, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर लगा लेता हूँ इस तरीके से। ओके यार तो मैं फेंसेस लगाने के बाद अब जो हमारा काम बचा है वो है भाई कैंप फायर लगाना और फिर उनको बुझा देना। तो वो मैं कैसे करूँगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जितने भी कैंप फायर है भाई मैं अपने ले लेता हूँ पहले इन्वेंट्री में, और मेरे को लग रहा है कम पड़ जाएंगी ये, पर कोई बात नहीं हमारे पास वुड और उसकी कमी तो है नहीं, तो हम और भी बना लेंगे। तो जल्दी से मैं जितने भी कैंप फायर हैं इनको यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से यहाँ पर कैंप फायर क्यों लगा रहा हूँ, तो भाई इससे क्या होता है एक बहुत ही मस्त डिज़ाइन आता है हमारे बेड पे। और भाई हम हमारी जो सीरीज़ है भाई इसमें तो हम बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतना मैंने बना दिया। तो भाई और मैं कैंप फायर ले आता हूँ जल्दी से। वो कह रहा तो मैंने और कैंप फायर बना लिए, तो भाई चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं भाई शायद हमारी जो कैंप फायर है वो पूरी हो जाएंगी अब। तो यहाँ पर मैं चढ़ता हूँ फिर से ऊपर, और यहाँ पर इस तरीके से मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कैंप फायर। तो अब आप पूछोगे भाई ये जो आग जल रही है इसका क्या करोगे, तो भाई इसको मैं बुझा दूंगा। ये जो मेरे पास ये है ना शवल, इससे मैं इसको जो आग है इसको बुझा दूंगा बहुत ही आराम से। तो जी हाँ गाइस जो हमारी कैंप फायर है वो पूरी पड़ जाएंगी बहुत ही आराम से। तो मैं अब क्या करता हूँ यहाँ से जो शवल है मेरी ये लेता हूँ, और भाई यहाँ से जितनी भी आग है ना जो जल रही है इन पर यहाँ पर इस तरीके से बस एक क्लिक में बुझ जाएंगी बहुत ही आराम से। तो भाई जल्दी से मैं पूरा यहाँ पर जो काम है वो कर लेता हूँ। ओके यार तो आप देख सकते हो भाई हमारा जो बेड का डिज़ाइन है वो हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट, और भाई सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो भाई अब जो हमारा बेड है वो हो चुका है भाई पूरा का पूरा कंप्लीट, और भाई सही में अच्छा लग रहा है बेड। अब मैं यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स इसको हटा लेता हूँ, और भाई यहाँ पर जो अपना एपिसोड है वो जाता है खत्म। सो गाइस आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और भाई सही में आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को रिकॉर्ड करते करते, मतलब एक घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। पर आपको मतलब वीडियो छोटी लगेगी क्योंकि भाई ज़्यादातर काम मतलब जो मैंने किया वो बोरिंग काम था, और भाई अगर आपको दिखाते तो भाई फास्ट फॉरवर्ड में इतना मज़ा भी नहीं आता, तो मैंने वो काट दिया। जो आपको वीडियो वो थोड़ी छोटी लग रही होगी, पर भाई सही में आज मैंने काफी ज्यादा काम किया। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम ऐसा कोई बोरिंग काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे भाई हम डेजर्ट टेंपल ढूंढने। जी हां गाइस डेजर्ट टेंपल ढूंढने। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा एडवेंचरस, तो भाई जरूर से मेरे को बताना। और भाई मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जो हमारी मैप्स एडॉन्स और मॉड्स वाली रिव्यू सीरीज थी वो उसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो आउट हो चुका है, और भाई उसमें काफी ज्यादा आपका अच्छा सपोर्ट आया। तो भाई थैंक यू सो मच यार ऐसे और सपोर्ट करते रहना। और भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम एक मॉड का रिव्यू करेंगे, तो भाई आप सजेस्ट कर सकते हो थोड़े बहुत मॉड्स कमेंट्स में, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। और वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं जिन लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो भाई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और भाई लाइक मैं रखता हूँ 200 लाइक्स का, तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आप मेरी कोई वीडियो कभी मिस ना करवाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।